हाजरीन इकराम, एक गज़ल की फरमाइश है। मैं चाहता हूँ एक मतला चंद शेर जो है आपकी अदालत में पेश करूँ। मतला मुलाहिज़ा करे कि हवा में छोड़ के आना तो एक बहाना था, हवा में छोड़ के आना तो एक बहाना था, मुझे तो अपने चरागों को आजमाना था, कि मुझे तो अपने चरागों को आजमाना था, और मैं खुशी के लिए उसको छोड़ता कैसे, कि मैं खुशी के लिए उसको छोड़ता कैसे। मेरा तो दर्द से रिश्ता बहुत पुराना था, कि मेरा तो दर्द से रिश्ता बहुत पुराना था, हवा में छोड़ के आना तो एक बहाना था, मुझे तो अपने चरागों को आजमाना था। और ये शेर बतौर ख़ास के मकसूद भाई देखें कि फरेब दे के ज़माने को ये हुआ एहसास, कि फरेब दे के ज़माने को ये हुआ एहसास, फरेब देने से बेहतर फरेब खाना था। फरेब दे के ज़माने को ये हुआ एहसास, फरेब दे के ज़माने को ये हुआ एहसास, फरेब देने से बेहतर फरेब खाना था। और बिछड़ गए हो तो क्यों याद करके रोते हो, कि बिछड़ गए हो तो क्यों याद करके रोते हो, बिछड़ गए हो तो क्यों याद करके रोते हो, एक अजनबी की तरह मुझको भूल जाना था। गज़ल का मतलब देखिएगा, निदा फारूकी साहब, जनाब अकरम इंडियन साहब, मतलब पेश करता हूँ बतौर ख़ास मुलाजा की। मतलब का है कि दरिया खिलाफ है ना समुंदर मेरे खिलाफ, दरिया खिलाफ है ना समुंदर मेरे खिलाफ, खतरे ही सर उठाते हैं अक्सर मेरे खिलाफ, दरिया खिलाफ है ना समुंदर मेरे खिलाफ, खतरे ही सर उठाते हैं अक्सर मेरे खिलाफ। और ये शेर बतौर ख़ास पेश करता हूँ कि होठों पे फूल बूटे सजाए हुए ये लोग, दरिया खिलाफ है ना समुंदर मेरे खिलाफ, खतरे ही सर उठाते हैं अक्सर मेरे खिलाफ, और होठों पे फूल बूटे सजाए हुए ये लोग, रखते हैं आस्तीन में खंजर मेरे खिलाफ, रखते हैं आस्तीन में खंजर मेरे खिलाफ। और ये शेर मैं अपने मिजाज का पेश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा कीजिएगा कि रखते हैं आस्तीन में खंजर मेरे खिलाफ, एक लुकमा हराम उठाने की देर थी, एक लुकमा हराम उठाने की देर थी, एक शोर सा उठा मेरे अंदर मेरे खिलाफ, एक शोर सा उठा मेरे अंदर मेरे खिलाफ। शेर होगा कि एक सिमत मेरा भाई है, एक सिमत मेरा यार, एक सिमत मेरा भाई है, एक सिमत मेरा यार, चलते हैं चाल दोनों बराबर मेरे खिलाफ। सब्सक्राइब कीजिए इंडियन सोशल मीडिया को और बेल आइकन दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।